राशन सेतु डिपार्टमेंटल स्टोर, मंगाए घर की सभी जरूरतों का सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप प्ले स्टोर से या हमें व्हाट्सएप करें 7455005450 पर। पता सुहाग नगर माता मंदिर के सामने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत। खबरें सबसे तेज और सबसे पहले देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। ये खबर है फिरोजाबाद से। पहल सोसाइटी का कार्यक्रम, इस सर्दी थोड़ी सी हमदर्दी। इसके तहत राजकीय बाल गृह फिरोजाबाद के समस्त बच्चों को संस्था पदाधिकारियों ने आज गर्म कपड़े वितरित किए। बच्चे इन कपड़ों को लेकर काफी खुश दिखे। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष सिराज अली ने कहा कि हमारा प्रयास है कि बच्चों को या ऐसे लोग जो सर्दी से परेशान हैं उनको गर्म कपड़े वितरित कर रहे हैं। इस अवसर पर चिराग सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर जफर आलम उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि संस्था की ये पहल बहुत अच्छी है और इसी तरह से संस्थाओं को आगे बढ़कर समाज के उस आखिरी पायदान पर रह रहे लोगों की मदद करनी चाहिए। श्री वकील नवी अफगानी, पूर्व सांसद, ने कहा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वे बच्चे जो अपने माता पिता से बिछड़े हुए हैं, ऐसे बच्चों को पहल संस्था ने गर्म कपड़े वितरित कर एक पुनीत कार्य किया। उन्होंने संस्था की प्रशंसक इस अवसर पर मुख्य रूप से हाजी हारून, शिवम प्रताप और शिवम मौजूद रहे। देखिए, आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से हमारी सोसाइटी है पहल सोसाइटी, जो किसी भी तरह से समाज के क्षेत्र में काम करती रहती है। इस बार उन्होंने कुछ प्रोग्राम, हमारी सोसाइटी ने एक प्रोग्राम रखा है इस सर्दी थोड़ी सी हमदर्दी, तो उसी प्रोग्राम के तहत आज यहाँ बाल गृह में आए थे बच्चों को कुछ कपड़े वितरण करने, जो गर्म कपड़े हैं उनको दिए हैं। इससे पहले भी जो एक दो दिन पहले से जो 31 दिसंबर से ये प्रोग्राम चल रहा है और इंशाल्लाह ऐसा ही ये प्रोग्राम आगे भी चलता रहेगा। देखिए, ये प्रोग्राम चल रहा है लगभग एक हफ्ते से पहल संस्था के द्वारा, और इससे पहले भी हम लोग गरीब बस्तियों में और ऐसी बस्तियों में गए जहाँ पर लोग ठंड से कड़कड़ा रहे थे, उनको भी हम लोगों ने वस्त्र वितरण करे पहल संस्था द्वारा। लेकिन आज जो कार्यक्रम हुआ राजकीय बाल सुधार गृह में, ये कार्यक्रम देख के मैं बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं ऑलरेडी जितने बच्चे 55-56 सब अच्छी कंडीशन में थे, और मैं लोगों के प्रबंधक जो राजकीय बाल सुधार गृह इनको भी मुहावरा देता हूँ कि बच्चों की अच्छी खासी तैल कर रहे हैं। जो पहल संस्था ने नारा दिया था इस सर्दी थोड़ी सी हमदर्दी, मैं समझता हूँ अपने उस नारे पर वो खड़े उतर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी पहल संस्था इस तरह कार्यक्रम करती रहेगी। मेरे साथ आज मेरे सीनियर, मेरे पुराने दोस्त डॉक्टर जफर आलम साहब रहे, चिराग संस्था के संस्थापक, और शिराज साहब जो पहल संस्था के अध्यक्ष हैं, हाजी हारून साहब हैं, शिवम प्रताप सिंह हैं, और इन सब लोग मेरे साथ रहे। उससे पहले भी 2-3 और मेरे साथ तो आए नहीं हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कार्यक्रम में पूरी भागीदारी ली उन्होंने। देखिए, सबसे पहले तो मैं पहल संस्था के पदाधिकारी और सभी जिम्मेदार जो भी साथी हैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी एक पहल की है एक पहल संस्था के ज़रिए। और जो बाल गृह में आवासित बच्चे हैं, जो लगभग 55 के आसपास बच्चे हैं, उन बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए गए हैं, और ये एक अच्छी पहल है और मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। ऐसी सर्दी में ऐसे अनाथ बच्चों की सेवा करना बहुत बड़ा काम है, पुण्य का काम है, और संस्था को बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी तरह संस्था काम करती रहे। माँ बनना दुनिया का एक खूबसूरत एहसास है। इसका ख्याल रखने के लिए 9 महीने आपको कंप्लीट केयर देने के लिए आ गया है उम्मा प्रेगनेंसी केयर। उम्मा आपका और आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। आप घर बैठे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। 24/7 आपकी सुविधा, हमारी संतुष्टि। बस कॉल कीजिए 8954000174 पर। देखा? मैंने कहा था।